In this video, we're going to talk about the nature of nonverbal communication. We'll be talking about six elements that reveal the nature of nonverbal communication. So let's have a look. What are those six things, right? हम देख लिया है कि कही हुई बात को समझने भी कितना मुश्किल है कि हर बंदे का अपना मीनिंग होता है, हर वर्ड का अपना मीनिंग है और वो परसेंट टू परसेंट चेंज हो जाता है. और फिर ऐसा कैसे मुमकिन है हम हमारे लिए like, उसका मीनिंग, ऐसा इशारे का मीनिंग या ऐसे फेशियल एक्सप्रेशन का मीनिंग जिसकी कोई डिक्शनरी नहीं है, जिसको हमारे पेरेंट्स ने हमें नहीं सिखाया, उसको हम बिल्कुल सही तरीके से इंटरप्रेट कर लें, इट इज़ वेरी ट्रिकी बिजनेस. डिक्शनरीज नहीं है हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, जहाँ पे हम जाके देख लें कि किस किस्म के नॉन वर्बल के मैसेजेस का क्या मतलब होता है. तो ये कुछ नीचे चैलेंजेस दिए गए हैं जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, जो बिल्कुल यू नो इंटरप्रेट करना बहुत मुश्किल बना देते हैं. सो कल्चर बाउंड मेन थिंग है, फिर उस नेचर इनकी, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल होती है समझना. कल्चर बाउंड क्या होता है? इंसान की जो फीलिंग्स हैं हमने देख लिया है कि वो नॉन वर्बल से ही कन्वे होती हैं. तो कुछ चीज़ें जो हैं लेट्स से कल्चर, ये जो सारी फीलिंग्स हैं ये कल्चर बाउंड होती हैं. हर कल्चर में ये चीज़ें जो हैं मुख्तलिफ चीज़ों को एक्सप्रेस करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, लेकिन कुछ कॉमनैलिटीज़ हैं जो कि हर कल्चर में तकरीबन कॉमन है, राइट? सो स्माइल, हर कल्चर में स्माइल को हैप्पी कंसिडर किया जाता है, लेकिन बाद का फेक स्माइल भी होती है कि आप जो है अपनी जेलस की फीलिंग को छुपाने के लिए जस्ट स्माइल बिकॉज एवरीबडी स्माइल है. या फ्रेन, जब आप तेवर चढ़ाते हैं अपने माथे में, सो यू आर फ्रेनिंग, यू आर जस्ट गिविंग दिस मैसेज, यू आर अनहैप्पी. आईब्रोज यू कम्युनिकेट, जब छोटा बच्चा अपने हाथ को मारता है उठाने के लिए, तो सारे कल्चर में इसका यही मतलब होता है कि शी और ही नीड्स टू बी पिक्ड अप. ये बातें करना क्यों ज़रूरी है? हो सकता है कि आपके कल्चर में एक चीज़ सही हो, एक इशारे का मतलब सही हो सकता है वो दूसरे कल्चर में उसका मतलब कुछ और हो जाए. सो वेन एवर यू आर टॉकिंग टू पीपल from a different culture, so you need to take care of your non-verbal communication seriously. आप error करेंगे जब आप non-verbally communicate करेंगे दूसरे culture के लोगों से, और जब वो दूसरे आपसे communicate करेंगे non-verbally, तो आप उनकी interpretation गलत करेंगे because आपके culture में इसका meaning कुछ और हो, उनके culture में कुछ और हो. इसकी बहुत अच्छी example जो है हो सकती है वो क्या है, Chinese लोग हाथों से खाना खाना बहुत बड़ा गुनाह समझते हैं. उनके खाने को हाथ लग जाए वो समझते हैं कि जरा सीम आ गए या नापाक हो गया, या इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में से लेते हैं वो. और हमारे यहाँ खाने का हाथ यू नो हाथ के साथ खाना कैसा है, अफजल है, बहुत जो है हदीस का यू नो उसके ज़ुमरे में आ जाता है सवाब के, राइट? सो अफजल है समझा जाता है. सी कि चाइनीज़ हमें, कुछ चाइनीज़ लोग बैठे हुए हैं किसी रेस्टोरेंट में, हम चाइना में हैं, और उधर हम हाथ से खाना शुरू कर देते हैं. जस्ट थिंक कि पूरा रेस्टोरेंट हमें कैसे देख रहा होगा. फिर हमारी उस वक्त जब हम नोट करेंगे, यार ये क्यों मुझे इस तरह देख रहे हैं, राइट? सो सीन टू, कोई चाइनी हमारे कल्चर में आ जाता है, वो चॉपस्टिक्स से चावल खा रहा है, छोटे छोटे टुकड़े उठा रहा है उसके, तो हम उसे कैसे देखेंगे कि यार चावल भी चॉपस्टिक्स से खा रहा है ये बेचारा, कितनी तरद्दुद से, कितनी मुश्किल से चावल के दाने उठा रहा है. सो इसे क्यों ना हम ऑफ़र करें कोई स्पून वगैरह, या उसे कहेंगे यार हाथ से खाओ वाले. सो सी ये एक छोटी सी एग्जांपल है दैट इलस्ट्रेट्स द पॉइंट वेरी क्लियरली. तो दूसरी जो है नेचर जो होती है ये कल्चर एक हमें बाउंड करता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझने में. और दूसरा जो है इनकी नेचर, इनकी नेचर ही ऐसी होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की कि इनको समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. इनके रूल्स होते हैं, ना चाहते हुए भी इनके रूल्स हैं. वो रूल्स क्या हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको ये किसने बताया था कि जब आप किसी दूसरे बंदे से कन्वर्सेट करते हैं तो आप अपनी बारी पे बात करते हैं, दोनों इकट्ठे क्यों नहीं बोलते, पास क्यों करते हैं, जब दूसरा बात कर रहा हो तो अपनी सर क्यों हिलाते हो, हूँ हाँ क्यों करते हो, क्या हाँ मुझे समझ आ रही है, ये आपको किसने सिखाया था? ऑफकोर्स किसी ने नहीं, आपने खुद ही कल्चर में रह के यू नो सीख लिया. और ये आपने रूल बना लिया कि व्हेन समबडी समवन एल्स इज टॉकिंग आई नीड टू लिसन, राइट?
सो देर इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी रूल गवर्न है, ये नहीं कि फ्री फ्रॉम रूल्स, देर आर रूल्स। सो ये हमें कैसे पता चलता है कि रूल्स हैं? तो इसे कहते हैं जी, एक थीरी है जिसे कहते हैं एक्सपेक्टेंसी वायोलेशन थीरी। इसके मुताबिक क्या है कि हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के रूल्स होते हैं, हमें वो रूल्स तब पता चलते हैं जब वो रूल्स को वायलेट किया जाता है। इसके इसको समझने के लिए क्या बात है, हम आप कह सकते हैं कि साइंस कहती है कि ज़मीन घूम रही है, तो आप एक बंदा कहे कि यार मुझे तो कभी फील नहीं हुआ कि क्यों, मुझे तो कभी चक्कर नहीं आया ज़मीन के घूमने की वजह से, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं आज पाकिस्तान में और दूसरे दिन मैं अमेरिका में बैठा हूँ, या जो है सऊदी अरेबिया में बैठा हूँ, राइट? अगर घूम रही है तो मेरी जगह भी घूमनी चाहिए ना, तो ऐसा नहीं हुआ। सो फिर इसका आंसर साइंटिस्ट ऐसे देते हैं कि जब हमारी ज़मीन किसी दूसरे सियारे से कलाइड करेगी, टकराएगी, तब आपको पता चलेगा हम कितनी स्पीड से घूम रहे हैं, राइट? सो इसी तरह हमारे ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के रूल्स हैं, ये उसी वक्त हमें पता चलते हैं जब वो वॉयलेट किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका ये भी रूल है कि आप हमेशा एक मुनासिब फासला रख के बात करते हैं दूसरे लोगों से। व्हाट इफ़ एक बंदे से आप पहली दफ़ा मिल रहे हैं, वो आपके इंतहाई करीब हो के, इतना करीब कि आपको वो जो है अजीब लग रहा है, तो आपको उस वक्त लगेगा यार दिस का इसको कम्युनिकेट करने का तरीका ही नहीं है, राइट? सो दैट इज़ व्हेन यू रियलाइज। तो ये एक्सपेक्टेंसी वायलेशन थ्योरी भी यही कहती है कि देर आर रूल्स, उसी लेकिन पता उसी वक्त लगता है जब वो आपके वायलेट होता है, राइट? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की जो नेचर है ये बड़ी एम्बिगुअस है। कैसे कि हो सकता है जो नॉन वर्बली एक बंदा मेरे से कम्युनिकेट कर रहा है उसे पता हो उसका मीनिंग, हो सकता है उसे खुद ना पता हो कि वो हाथों से या आंखों से या फेशियल एक्सप्रेशन से क्या कम्युनिकेट कर रहा है, राइट? हो सकता है उसे पता हो सकता है उसे अनकॉन्शियसली उसे भी ना पता हो, बिकॉज ज़्यादातर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है आप कॉन्शियस माइंड के बगैर ही करते हैं, आप यू जस्ट डू इट लाइक इट्स ऑटोमेटिक। इवन के जिन लोगों को हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं उनकी बात समझना भी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन समझना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है। तो नॉन वर्बल समझने के लिए हम परसेप्शन चेकिंग कर लेते हैं। परसेप्शन चेकिंग क्या होता है कि आप जो है ऑब्जर्व करते हैं लोगों को, या किसी दूसरे से पूछ लेते हैं कि इस इशारे का क्या मतलब है। अच्छा, एक और बात जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लमेटिक है वो है जी कंटिन्यूस नेचर। आप सेंटेंसेस बोलते हैं, आपको पता है वर्ड्स यहाँ पे शुरू हो रहे हैं और ये सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म हो गया, एक आइडिया यहाँ पे कन्वे हो गया, फिर उसके अगेंस्ट दूसरा बंदा बात करेगा, फिर उसकी बात के अगेंस्ट आप एक और बात करेंगे, दैट इज़ हाउ कन्वर्सेशन मूव्स ऑन। लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कोई स्टार्टिंग नहीं है, कोई एंड नहीं है, कोई बिगिनिंग नो एंड। आप चलते चलते जो है आपने आई कॉन्टेक्ट कर लिया, फिर हाथ हिलाया, फिर जो है आपने दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया, फिर आप रुक गए, फिर आपने सलाम किया, फिर उसने जवाब दिया, स्माइल किया। तो ये मुझे बताएं, यहाँ पे कौन सी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किस वक्त शुरू हुई और कहाँ पे ख़त्म हुई? इज़ देर एनी बिगिनिंग, इज़ देर एनी एंड, कि कौन सी चीज़ कहाँ पे ख़त्म हो रही है और कहाँ पे शुरू हो रही है? ये सिंपली इज़ नॉट पॉसिबल, कि आप आइसोलेट नहीं कर सकते कि ये ना जो है ये आंखों की कम्युनिकेशन है, ये फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, ये बॉडी लैंग्वेज है, ये उसकी ड्रेस ये कम्युनिकेट कर रहा है मेरे साथ। सो यू कैन नॉट सिंपली टेल दीज थिंग्स अपार्ट। ये दो एग्जांपल्स हैं, ये इन्हीं चीज़ों को, जो एग्जांपल मैंने आपको बताई है कि ये एक किस वक्त शुरू होती है नॉन वर्बल और किस वक्त ख़त्म होती है, ये उनको इलस्ट्रेट करती हैं। एग्जाम्पल दिस इज़ एग्जाम्पल वन, दिस इज़ एग्जाम्पल टू। सो नेक्स्ट है जी नॉन लिंग्विस्टिक्स नेचर ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। लैंग्वेज के अंदर जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है उसमें लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज में ग्रामर होती है, वर्ड्स होते हैं और पैटर्न होता है। आपको पता चल जाता है ये क्वेश्चन है, ये सेंटेंस है, मुझे यहाँ पे सवाल का जवाब देना है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करनी है चीज़ें, यहाँ पे मैंने पास करना है, यहाँ पे मैंने सुनना है बात कंप्लीट होने तक उसकी, उसकी बात आधी है, उसका गला खराब, गले में कोई प्रॉब्लम आ गई इस वजह से वो खामोश हो गया है। सो लैंग्वेज में, वर्ड्स में एक पैटर्न है, ग्रामर है, नॉन वर्बल में ये चीज़ें हैं ही नहीं। देर इज़ नो ग्रामर, देर इज़ नो पैटर्न, देर आर नो वर्ड्स, जस्ट यू नो इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, लेकिन स्टिल इट कम्युनिकेट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स।
सो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, राइट। लेट्स से ये जो है कुछ कल्चर्स में जब आप लोग बात करते हैं लोगों से, आप आई कांटेक्ट नहीं करते तो आपको डिसऑनेस्ट समझा जाता है, आपको काबिले भरोसा आदमी नहीं समझा जाता, या आपने बातों के दरमियान अपनी बाजू जो है बांध दिए हैं, हाथ बांध दिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप उनसे लड़ाई करना चाहते हैं, या ये अमेरिकन कल्चर की बात कर रहा हूँ, ये उधर इस तरह समझा जाता है, राइट। व्हेन यू जस्ट क्रॉस योर आर्म्स इट मीन्स यू आर जस्ट अपना रूड बिहेवियर शो कर रहे हैं उनके साथ, राइट। लेकिन हमारे कल्चर में ऐसा नहीं है। हमारे कल्चर में जब भी बड़ों से बात की जाती है या फीमेल से बात की जाती है या फीमेल मेल से बात करती हैं तो आई कांटेक्ट नहीं करने की कोशिश करते हैं आप। यू डोंट मेक आई कांटेक्ट आउट ऑफ रिस्पेक्ट, राइट। लेकिन वहाँ पे ये बिल्कुल ऑपोजिट है, सी। दैट इज़ द इशू। इस वजह से जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कोई पैटर्न नहीं है कि कौन सी चीज़ क्या है और कैसे है। कम्युनिकेशन का मल्टी चैनल है। मल्टी चैनल का क्या मतलब कि एक ही वक्त में मुख्तलिफ चैनल से जो है आपको इन्फॉर्मेशन रिसीव हो रही होती है। लेट से ये एक साइंटिस्ट से कहते हैं जी सेकंड स्क्रीन फिनोमिनन, कि इसका क्या मतलब है कि एक स्क्रीन को देखते हुए लोग जब टीवी देख रहे होते हैं तो 41% ऑफ द पीपल टीवी को देखते हुए एक और स्क्रीन यूज़ कर रहे होते हैं, अपना सेलफोन, अपना लैपटॉप जो है, या कुछ भी, अपना टैबलेट, राइट। एक और स्क्रीन के ऊपर एक और स्क्रीन यूज़ कर रहे होते हैं, ये नेचुरल है, मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, राइट। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि आपने जब अपनी अटेंशन एक चीज़ से हटा के दूसरे एक स्क्रीन से हटा के दूसरी स्क्रीन पे लेके गए हैं तो आपकी अटेंशन वहीं पे चली गई है, आपका पहली स्क्रीन से ताल्लुक नहीं रहा, राइट। बिकॉज क्या हमारा माइंड मल्टीटास्किंग कर ही नहीं सकता, बना ही नहीं मल्टीटास्किंग करने के लिए। वी कैन जस्ट प्रोसेस सिंगल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ओनली। अगर इसका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से क्या ताल्लुक है, इसका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से यह ताल्लुक है जिससे बातचीत कर रहे हैं उसका ड्रेस आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, उसका हेयर स्टाइल आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, उसका फेशियल एक्सप्रेशन से आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आइज़ कम्युनिकेट कर रही है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, हैंड मूवमेंट्स, वो कितना करीब आपसे है या कितना दूर है आपसे, उसकी साउंड कैसी है, राइट। बहुत ऊंची आवाज़ कर रहा, ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है, वो गुस्से में है, या बहुत आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहा है, कोई सीक्रेट बता रहा है, तो ये सारी बातें जो है आपको जो है एक ही वक्त में रिसीव हो रही होती हैं। वो आपके करीब हो के सीक्रेटली कोई बात करता है तो उसकी जो है यू कैन उसकी सांस भी आप सुन सकते हैं, वो परेशान है आपको देखें, मुख्तलिफ चीज़ें आपको पता चल रही होती हैं एट द सेम टाइम। आप जो एक बात पे लेट से आप उसकी ड्रेसिंग पे उस वक्त गौर करते हैं, उसकी बात कौन सुनेगा? अगर बात पे गौर सुनते हैं तो और बाकी चैनल से उसका हेयर स्टाइल कैसा है, उसकी आई साइट वो किधर देख रहा है, राइट। क्या उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और तो नहीं कह रही, वो ज़ुबान से कुछ और कह रहा है, तो ये सारी अगर एक बात पर फोकस करेंगे दूसरी बात हाथ से निकल जाएगी। सो ये मल्टी चैनल होने की वजह से भी जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को सही नहीं समझा जा सकता। तो ये कुछ इश्यूज हमने डिस्कस की है कि ये कल्चर की वजह से नहीं समझी जा सकती नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वो प्रॉब्लम है, और दूसरा इनकी नेचर है। नेचर में हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, मल्टी चैनल है, नॉन लिंग्विस्टिक है, इनकी कंटिन्यूस नेचर है, एंड और बिगिनिंग नहीं होती, एम्बिगुअस नेचर है, एक बात का कितने मीनिंग हो सकते हैं यू कैन नॉट कंट्रोल इट, और रूल्स हैं इनके भी, राइट। ये प्रॉब्लम है, और कल्चर बाउंड ये हमने पहले बात कर चुकी है, राइट। ये सारी इनकी नेचर्स। नेक्स्ट लेक्चर में वी गोना टॉक अबाउट द कोर्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।